अनुग्रह चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाएं वो अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। जैसे पास्टर जी ने उसको देखा, पास्टर जी ने बोला इसके ये यहाँ पर इतनी बड़ी गांठ है, कोई बात नहीं सिस्टर, सिर्फ 3 महीने में ठीक हो जाएगी। मैं जिस बीमारी से पिछले 2012 से मैं जूझ रही थी, 8-10 साल से मैं जूझ रही थी, उसको पास्टर जी ने इतनी इजीली बोल दिया कि ये 3 महीने में ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी के लिए उन्होंने ऐसे ही बोला था, लेकिन मैंने उस चीज को रिसीव किया। मुझे ये लगा कि इतने टाइम में एटलीस्ट किसी ने तो एक पॉजिटिव वर्ड मुझे बोला कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी रिपोर्ट देखते हैं वो कहते हैं सर्जरी होगी। बेटे को एक सर्जरी हो चुकी थी ऑलरेडी, कि मेरे को मात्र 1 महीना हुआ है, काम में बरकत शुरू हो गई है, और कल मेरे को पास्टर जी ने बोला था सिस्टर आपका काम 5 गुना होने वाला है, तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, वो चीजें हो रही है, 3-4 गुना हो चुका है, 5 गुना तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जय मसीह की। 1 महीने से मैं चर्च में आ रही हूँ, और एक्चुअली मैं अपनी बेटी के लिए आई थी, मेरी बेटी को पेट ट्यूमर था, उसको एडमिट किया हम लोगों ने, तो उन्होंने सर्जरी के लिए बोला था, लेकिन सर्जरी मुझे नहीं करानी थी क्योंकि 17 साल का बच्चा है, उसका डॉक्टर ने बोला था अगर ऑपरेशन होगा, क्योंकि राइट साइड पे उसका ट्यूमर था, तो उन्होंने बोला कि एक कान से सुनना बंद हो सकता है और एक आँख से दिखना बंद हो सकता है, बाई चांस अगर ना गलत करती है उसकी, तो ऑपरेशन के लिए तो मैं तैयार नहीं थी, लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, हर 2 महीने बाद उसका MRI हो रहा था, हर 2 महीने बाद सीटी स्कैन उसको हो रहा था, लेकिन आराम नहीं आ रहा था उसको। फाइनली गंगाराम में ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ दिन और देखते हैं, अगर नहीं हुआ ये क्योर नहीं हुआ, अगर नहीं संभाला गया तो हम उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने पास्टर जी से प्रेयर कराई उसके लिए, और पहली ही प्रेयर में मैं अपनी बेटी को लेकर आई थी, उसी दिन से उसके सिर का दर्द तो खत्म हो गया है, लेकिन वो कह रहा था कि जिस दिन हम लोगों को यहाँ आना होता था वो दुष्ट आत्मा उसको उसी दिन ही परेशान करती थी, और उसका फोन आता था मेरे पास, क्योंकि मैं अपने काम पर होती थी, मेरे पास फोन आता था मम्मी आज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं आऊंगी, कोई ना कोई बहाना लगता था उसका, तो जो दुष्ट आत्मा है वो ऐसे ही परेशान करती है और उसको आने से रोक रही है। मैं स्पेशली करोलबाग से पहले घर जाती थी अपने घर से, फिर मैं उसको लेकर आती थी यहाँ पर, डॉक्टर तो हर 2 महीने बाद MRI करा रहे थे लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फाइनली परसों मैंने MRI कराया था, परसों शाम को MRI की रिपोर्ट आई थी, तो मैंने उससे पूछा, जिसने जो MRI करने वाले होते हैं उससे मैंने पूछा डॉक्टर से कि इसमें कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ ठीक है पहले से, कह रहे मैडम इतना हमने इम्प्रूवमेंट कभी नहीं देखा, जो गांठ का साइज इतना बड़ा था, 33 mm की गांठ थी उसके, अब उसका साइज 15 mm आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा ठीक हो गया है। तो जस्ट मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि मेरा यीशु काम कर रहा है मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए काम करेगा, तो सभी के बच्चों के लिए, सबके लिए यीशु काम करेगा। 2016 में उसका ऑपरेशन हुआ था, 2016 से भी पहले की, करीब 4 साल पहले की उसको यहाँ गांठ थी, उसका ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो गांठ वही की वही थी। अब वो गांठ कैंसर थी क्या थी वो हमने ट्रीटमेंट उसका नहीं पता किया, लेकिन जैसे उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया था, ऑपरेशन करने के बाद भी वो गांठ वही की वही एजिटिव थी, और वो वापस से बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि एक ही सर्जरी में उसका हल्का सा फेस यहाँ था हल्का सा टेढ़ा हो गया था, तो मुझे टेंशन थी कि पहले गांठ छोटी थी तो छोटा सा हल्का सा टेढ़ा, अब ज्यादा बड़ी गांठ हो गई है तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बच्चे का मुंह पूरा टेढ़ा हो सकता है। फाइनली पास्टर जी ने मुझे जो ऑयल दिया, मैंने उसको ऑयल डेली लगाती हूँ, मैं डेली सुबह शाम पास्टर जी ने बोला धूप में डाल के देना, इसको ऐसे से लगाना है, इसको सिर्फ आपने लगाना है और एक छोटी सी प्रेयर करनी है, मैं वो रेगुलर लगा रही हूँ। मैंने 10 दिन पहले उसका फोटो लिया था उस गांठ के लिए, और मैंने 10 दिन बाद फिर से फोटो लेके मैंने पास्टर जी को भेजा, मैं कहा पास्टर जी वो बहुत छोटी हो गई है इस टाइम। अनुग्रह चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाएं, वो अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें।